हाँ जी, राम राम, जय माता दी। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो अभी जो है 4 बजे का टाइम है, 4 के 4 मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। और ठीक है तबीयत, बाकी इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, वो बाद में आएगी, ये वाली पहले आएगी। हम मिट्टी लाने गए थे चूल्हे की। तो आपको अभी क्या करते हैं, हम शाम के टाइम ना पशुओं को यहाँ से यहाँ पे बांध देते हैं, क्योंकि वहाँ पे गिल्ला भी होता है। बारिश हुई है अभी जो पीछे कुछ दिनों में, 3-4 दिन लगातार बारिश रही। आज तो नहीं, आज बस मौसम खराब है और थोड़ा बहुत बादल है, वैसे धूप ही थी मैक्सिमम। तो यहाँ पे हन्नी पशुओं को अंदर कर रहा है और सिया को बांध दिया। अब इनको हम यहाँ पे बांधेंगे, पर हम इनको सिर्फ धूप सेकने के लिए बांधते हैं, है ना। और ये देखो, तो चलो अभी मैं आपको ऊपर दिखाती हूँ हमारा काम क्या क्या हो रहा है। मिस्त्री लगे हुए हैं भाई, और लाइट का भी कंप्लीट हो गया है, बस खिड़की दरवाजों का भी हो ही जाएगा। और ये रहे हमारे यहाँ पे मिस्त्री भैया। तो हाँ जी भैया, राम राम। राम राम जी, कैसे हो आप? नमस्ते भाई जी, राम राम। राम राम जी, राम राम। तो ये हमारे मिस्त्री भैया, और इनकी बेटी भी देखती है हमारा वीडियो, है ना भाई? हाँ भाई, जिस दिन खिड़की दरवाजे छोड़ने आए थे ना, इनकी बेटी देखती है और इनकी मिसेज भी देखती है। तो मैंने इनको फोन किया एक दिन, तो उसने उठाया तो कहते मधु दीदी बोल रहे हो, मैंने कहा हाँ जी। तो और बहुत बहुत धन्यवाद उनका। तो मैं दिखाती हूँ कि कहाँ तक किया काम इन्होंने। बारिश भी थी तो एक दिन नहीं आ पाए, तो इस वजह से हो जाता है, एक दिन कहीं बीच में काम पड़ जाता है। तो चलो, गाड़ी जा रही है किसी की। तो चलो मैं आपको इतने को परली साइड को दिखाती हूँ। यहाँ पे इन्होंने ये वाली खिड़कियां लगा दी है, शीशा राब फिट करने को, और ये वाला नीचे यहाँ पे ये लगा दी है, स्टॉपर बोलते हैं इसको, विंडो स्टॉपर क्या बोलते हैं, ये उखड़ तो नहीं जाएगा, मैंने उनको हिलाती रहती इस तरह से। और अंदर लगा दी है जाली, और ये वाली उल्टी खिड़की लगा दी थी, तो अब यहाँ पे ये यहाँ से उठेगी। फिर अभी हमें एक बार फिर से दुकान जाना पड़ेगा शीशे वालों की, और शीशे वापस करके वो बाहर से लगेंगे ना शीशे, तो पता नहीं कटवा के लाने हैं कि क्या करना है, फिर से कुछ काम पड़ा है। तो चलो अभी लगे हाथ है, काम तो होता ही रहेगा। डिज़ाइन बहुत प्यारा बनाया है, और ये देखो लकड़ी की मैं बात करूँ तो इसमें सफ़ेद मरिंडी है, अच्छी लकड़ी होती है। ये हमारे खिड़की रसोई का दरवाज़ा है, रसोई की खिड़की है, और इतनी सी जगह देखो, इतनी सी जगह हमारे बच जाती है। फिर भी मैं सोच रही थी बरामदा छोटा है, पर नहीं, इतनी जगह बच जाती है, है ना। ये देखो यहाँ से दिखाती हूँ, इतनी जगह बच जाती है, काफ़ी है। थोड़ा सा बड़ा हो जाता तो काफ़ी अच्छा होता, पर चलो नहीं किया बड़ा उन्होंने, थोड़ा सा बाद में देख लेंगे जैसे जैसे भी होगा। तो से और ये अभी बाहर के लगाने को है मेरे ख्याल में, पर ना इनमें है ना, इन्हें अंदर लगवा ना भाई, ये अंदर लगने, बाहर थोड़े लगने, बाहर थोड़े लगने, अंदर लगने हो। और काफी जगह रहेगी मतलब निकलने को साइड से। मैं भी गिर गई थी। तो चलो मैं आपको अंदर दिखा देती हूँ, जो लाइट भी लग चुकी है, ये देखो यहाँ पे ये बढ़िया तू सागे बैठी नेड़े जी। तो ये लगे हमारे स्विच, वो देखो। तो ये यहाँ पे ऊपर, तो ये देखो बात का भी इधर हो गया है, और इस तरह से ये लगा रसोई का नॉर्मल सा है, और ये वहाँ पे हमारा भी काम हो रहा है पे बहुत ज्यादा। तो ये देखिए, अभी आपको हैंडल दिखा देते, उस दिन भी दिखाए थे नॉर्मल से इस तरह के। और चलो, अच्छा सूची दिखा रही थी मैं आप लोगों को, और देखो ये देखो, तो यहाँ पे ना ये एक एक स्विच बाद में भी लगता ना, इसमें तो लगा दिए सारे, पर वो ऊपर गीजर का
और इस साइड बल्ला वगैरह, रसोई में मैंने बहुत सारे बल्ला रखाए थे, क्योंकि जब मुझे कुकिंग करनी होगी ना आगे वीडियो के लिए, मैंने बहुत चीज़ें ध्यान में रखते हुए सारा काम किया है, तो यहाँ पे लाइटिंग का होना बहुत ज़रूरी है। हमारी पार वाली रसोई में ना अंधेरा रहता है, तो इसलिए ये बहुत सोच समझ के मैंने यहाँ पे बस यहाँ का दरवाज़ा भी लगाया है। और जो ये देखो, पूरी होगी। और इस साइड भी, इस साइड ना भी वाइट सीमेंट लगेगा मेरे ख्याल में, कि पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या लगेगा, थोड़ा सा लग रहा है ना ऊपर ऊपर से, ये देखो, या फिर ये ऊपर जैसे लगना था, ये क्या किया उसने, तो बुरा लग रहा है यहाँ, यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। और एक लग गया ऊपर, और ये बल्ब के लिए एक ट्यूब ऊपर। बाकी अभी यहाँ पे सारा सामान बिखरा पड़ा है, कि काम रनिंग में है ना, शीशे कल जाना पड़ेगा। और वो देखो ये जो है ना, ये बेड स्विच, यहाँ पे बेड स्विच है, टू इन वन, एक वहाँ पे, यहाँ से भी इसमें एक और स्विच आ सकता है, कुछ और लगाना होगा अगर यहाँ पे। तो ये देखो बिजली का काम भी फिनिश हो गया, सारा हो गया मतलब। तो अब क्या, पंखे बचे लगाने को, पंखे बाद में लगाएंगे, और डोरबेल। अरे भैया आज मेन दरवाजा लगा रहे हैं, कल भी बारिश थी, कल आए नहीं थे ये लोग। दरवाजे कौन लगते मान जी, इतक ना लगू मान जी, यहाँ सर पूरी कमरा ठीक है। हाँ जी बोल रहा है, ये कमरा मेरा कमरा परले वाला है, तुम्हारा कमरा ये मम्मी, इसको मांग रहा है इस वाले, क्योंकि इस वाले में ना यहाँ पे खिड़की है, खिड़की नहीं, खिड़की तो तेरे भी थी, क्यों मांग रहा है इसको, ये हमारा कमरा है। किसका? नहीं हमारा, हमारा है, मेरे को सच्ची में चक्कर जैसा है, देखो ऊपर रहता है, ये चुड़ाव है उस रहते, आता रहता है तो बंदे बंदे बढ़िया। मैं तो ये चाय लेके आए, और यहाँ पे जोजो ना हमारा इंतजार कर रहा है, हम जोजो के लिए लेके आए थे, वो क्या बोलते हैं उसको, मांगते 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 माफ देना, माफ देना, आज 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 रुक, देखे ना सामान छेड़ता धोती, चल जा सबसे आगे आ गया भाग के, इसने ना वेट भी नहीं किया, यानी कि पापा का आगे दौड़ के आ गया, बहुत खुश होता है सबसे मिलके, जो जो ठहर जा तू, और ये आएगा
जा जा। हमारे लिए आ चुकी है चाय। देखो कितना सारा कूड़ा पड़ा हुआ इधर उधर सारे। हाँ नहीं जा रहा है घर को, इसके पापा बोल रहे हैं नहीं को भी चाय ले ले आके। अरे तो मर्जी का है ये मिली मेरी से गड्डिया मिली है नहीं है के मट लेके आया से पता कहता वो बात है क्या कूदा तू दौड़िया पारा सारा गलाना सुनो नहीं दिखाती वो चली गया गांदर को रसोई था से ये चली गई थी कुटिए भी गया नहीं देखिए देख रहा था कि दिखता आई जाओ मैं पूछ तू ले यार मैं देख तो ये मेरा गगरू आए मेरा गगरू किसे देख रहा है देखो तो फोटो खिंचा रहा है मेरा जो जो ना बड़े अच्छे प्यार से फोटो खिंचाता है वीडियो भी बनाता है और अभी मैं जा रही हूँ ऊपर छत के ऊपर से आप लोगों के साथ बात करती हूँ। बहुत ही अच्छा बहुत ही सुंदर व्यू यहाँ से जो मुझे जो बहुत ही प्यारी सी शांति यहाँ पे मिलती है वो है। और मैंने सोचा कि वीडियो भी ऊपर चल के ऐड करती हूँ। रहा गांव बहुत बार दिखा चुकी हूँ गांव तो। और तो कैसा लगा आपको खिड़कियां दरवाजे? वैसे मैंने सारे ही बता दिए, कुछ कुछ रह गए हैं और बाकी तो बस कुछ दिनों में रंग वाले भी आ जाएंगे। बिजली का भी हो गया, ये भी हो गया, पानी वाले सामान की लिस्ट भी आ गई है, उसका भी लाएंगे कभी। ज़रूरी ज़रूरी जो है वो तो करना ही पड़ेगा। चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बस एक चक्कर दिखा देती हूँ पूरा घुमा के बैक कैमरे से आपको, ना बहुत सुंदर दिखता है। तबीयत जैसे ठीक नहीं होती ना तो बिल्कुल मन नहीं करता कि हम वीडियो भी बनाएं। तो ये देखो अभी काफ़ी सूरज है और अभी हम ना घास को जाएंगे, दो तीन पूड़े काटूंगी अगर मेरे से काटे गए तो। और ये हरी 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 जौ ये देखो, और नीचे हमारा लहसुन। धनिया की ग्रोथ नहीं हुई, बहुत दूर से शूट कर रही हूँ मैं, बताया लेंटर के ऊपर में दूसरी मंजिल पे। वो देखो इस तरफ मटर हमारे और वो लोगों के खेत, साथ में गांव। बस ये हमारा गांव है और यही हमारा, हम गांव वालों के सबके जो है बस ये खेत है। मेरे पास है थोड़ी सी जमीन नीचे को है गाँव वालों की, हमारे नीचे भी अभी यहाँ से नीचे भी है। और फिर आ जाओ आप ऐसे ऐसे घूम के इस तरह से परली साइड को थोड़ी सी, गांव से परे साइड को थोड़ी है, कम है मतलब। और बस ये जो ऊपर से धार जा रही है ना, जो ऊपर से यहाँ से होते हुए और ये जो आपको एरिया दिख रहा है, बस यहाँ पे हमारे और हम गांव वालों की और हम सबकी ज़मीन साथ साथ में ही खेत है। थोड़े थोड़े खेत है हमारे गाँव वालों के पास, कुछ ज़्यादा ज़मीन नहीं है, थोड़े थोड़े खेत है सबके पास, एक दो परिवार है जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है, पर मतलब वो भी जैसे अब अलग अलग हो जाते हैं ना आगे, तो फिर थोड़े थोड़े रह जाते हैं तो। और उस तरह की उपजाऊ ज़मीन फिर नहीं होती। देखो इसके ऊपर कितना सारा वो पड़ा हुआ है, ये सारा उठाना पड़ेगा यहाँ से। और जो जो, और इसको पता नहीं लगा मैं कहाँ आ गई। जो जो क्या है जो जो, नहीं पापा गाड़ी में बैठे नीचे कहे जो जो। और वो हमारी गाय गई भी हैं,
देखो 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 इनके पास जा रहा है। जाजू आजा नीचे। हाँ जी हाँ जी ऊपर आ भाई। अच्छा अच्छा हुआ भाई रहने दो जाओ यहाँ पर दरवाजा होना ना बंद। मैं आती हूँ चल चल कहाँ गए जो जो चला गया आई गया रुक 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 रुकती ना दरवाजा देखो हमारा मेन अब ऊपर ही जाना मैंने रुक बस ना तो बस अभी मैं नीचे आ गई हूँ और मेरा जो जो भी मेरे साथ साथ रहता है ये देखो। और यहीं पे करते वीडियो का एंड। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना अगर पहली बार आ रहे होंगे। और आप सबकी दुआओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको बहुत सारी खुशियाँ दे और आपके बच्चों को कामयाब बनाए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना लाइक कर देना। जय माता दी।